तो आज रिलीज हुई है मच अवेटेड ओडिया मूवी दमन हिंदी में। तो कैसी थी मूवी, अपने हाइप पर खरी उतरी या नहीं, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। सो हे गाइस, कसा तुम्ही, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं रॉकी द वॉचर। पहले तो ये बता दूं कि ये ओडिशा मूवी ओरिजिनली रिलीज हुई थी नवंबर में और अब आज 3 महीने बाद हिंदी में रिलीज हुई है ऑफिशियली। पर ये बताना जरूरी क्यों था, क्योंकि हमारे यहाँ मूवी का एक ही शो लगाया है, लिटरली एक ही मूवी का शो लगाया है। अगर मूवी नवंबर में ही पैन इंडिया रिलीज कर देते तो शायद बहुत ही ज्यादा स्क्रीन्स मिलते, क्योंकि तब मूवी की हाइप भी थी और अब पठान भी है तो स्क्रीन से मिलना मुश्किल ही है। तो बात करें मूवी की, तो मूवी का ड्यूरेशन है 2 घंटे का और मूवी का स्क्रीन पे इतना बढ़िया होने की वजह से मूवी जरा भी बोर नहीं करती। जैसे पठान में पूरे मूवी का ब्लू स्टोन है, वैसे ही इस मूवी का पूरे मूवी का ग्रीन स्टोन है और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मूवी के लीड कैरेक्टर डॉक्टर सिद्धार्थ को प्ले किया है बाबूशान मोहंती ने। मूवी सेट है 2015 में, जहां सिद्धार्थ ने अभी MBBS कंप्लीट किया होता है और क्योंकि उसने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोर्स किया होता है, यानी उसने स्कॉलरशिप लेके कोर्स किया होता है, तो उसे 5 साल के लिए एक ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां नक्सलवादी बहुत होते हैं और बेसिक फैसिलिटीज नहीं होते, जहां मोबाइल टावर, इलेक्ट्रिसिटी और यहां तक कि हॉस्पिटल भी नहीं होते। और इस एक डॉक्टर के अंडर होते 151 गांव और जहां उसकी पोस्टिंग हुई होती है वहां एक मेला भरा होता है और उस मेले का नाम होता है भूतों का मेला, जहां तांत्रिक अपने पावर से गांव वालों को भूतों से बचाते हैं। बट असल में कोई भूत नहीं होता, बल्कि एक मच्छर से हुई बीमारी होती है मलेरिया, और इस बीमारी से बहुत लोगों की जान गई होती है और बहुत लोग इन्फेक्टेड भी होते हैं। तो हीरो सबको कैसे समझाएगा और मलेरिया को कैसे ठीक करेगा या कम करेगा, ये आपको इस मूवी में देखने मिलेगा। हां, सुनने में टॉपिक बोरिंग लग रहा होगा, बट मूवी इंटरेस्टिंग एंड फनी वे में सीरियस चीजें आपके सामने रख देती है और हंसते हंसाते आपको डार्क चीजें मूवी के बारे में बताई जाएगी। और अब मूवी के नेगेटिव के बारे में बात करूं तो मूवी का क्लाइमैक्स जैसा फील नहीं होता, मूवी ऐसी चल रही होती है और एकदम से खत्म। तो हाँ, बस यही एक नेगेटिव पॉइंट था। बाकी अब हिंदी डब एंड कास्ट की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो मूवी के मेन लीड कैरेक्टर को वॉइस दिए संकेत म्हात्रे सर ने और एज ऑलवेज फाड़ के रख दिया है। मतलब एक एक इमोशनल एंड ऐसे दिल को छू के निकल जाती है और ये फील और भी ज्यादा हिट होती है बिकॉज ऑफ शेयर कास्ट की परफॉर्मेंसेस से। क्या एक्टिंग की है, एकदम नेचुरल। और अगर आपको ये एक्टर पहले से नहीं पता थे तो आपको इनका यही परफॉर्मेंस जिंदगी भर याद रहेगा और आप इन एक्टर्स की और भी मूवीज देखना चाहेंगे। और ये मूवी देखने के बाद मुझे कांतारा की याद आई, क्योंकि इस मूवी का टॉपिक कांतारा की तरह ही बहुत ही ज्यादा हटके है और दोनों मूवीज के शेयर कास्ट के परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है नेचुरल। एंड आई होप कि दमन को भी कांतारा जैसी सक्सेस मिले बॉक्स ऑफिस पे। अभी तो शोज बहुत कम लगे हैं मूवी के, खैर पहला दिन है तो देखते हैं आगे क्या होता है लॉन्ग रन में। तो मेरे तरफ से तो फुल रिकमेंडेड है ये मूवी, आप अपने फैमिली के साथ जाकर देख सकते हो, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रही आईडिया और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर।